hold on. क्या हो गया? सुहाना की खूबसूरती ने कुछ पलों के लिए मदहोश तो कर दिया ना तुम उसे इस तरह छोड़कर क्यों चले आए? क्योंकि मैं सिमरन के विश्वास के साथ धोखा नहीं कर सकता। लेकिन रूहान, सिमरन के विश्वास के साथ धोखा तो तुम कर चुके हो जब तुम सुहाना की तरफ आकर्षित हुए थे। ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे माना सुहाना मेरा प्यार थी, लेकिन मेरा आज सिमरन है और कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। सोचो, जैसे तुम्हारा अतीत तुम्हारे आज में आकर तुम्हारे सामने खड़ा हो गया, उसी तरह अगर सिमरन का कोई अतीत उसके आज में आकर उसके सामने खड़ा हो जाए तो क्या बर्दाश्त कर लोगे? नहीं, नहीं कर सकता मैं बर्दाश्त। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्यों मुझे गुनहगार साबित करने में लगे हो तुम? मैंने क्या किया है? मैंने कौन सी बेवफाई की है सिमरन के साथ? बता मुझे। सिमरन खुद मुझे सुहाना के पास लाई है। चाहे तुम ये भूल रहे हो रूहान की सिमरन ये सब जानती है। वो ये सब सिर्फ इसलिए कर रही है कि सुहाना की याददाश्त वापस आ सके। वो अपनी गृहस्थी बचाने के लिए ये सब कर रही है ताकि तुम और वो चैन की जिंदगी बिता सके। सोचो कि अगर सिमरन को तुम्हारे अतीत के बारे में मालूम हो, क्या वो सुहाना के साथ तुम्हें अकेले जाने देगी या फिर उसे तुम्हारे नजदीक आने देगी? I don't think so. यकीनन नहीं। अब तुम एक शादीशुदा इंसान हो। खुद को बहकने से सिर्फ और सिर्फ तुम खुद रोक सकते हो, कोई और नहीं। तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी, तुम्हारा सिमरन के लिए प्यार और तुम्हारा आने वाला कल, सब कुछ इस पर निर्भर करता है। अब आगे का फैसला तुम्हें खुद करना है रूहान। हर बार तुम्हें अपने आप को रोकना होगा, ये याद दिलाना होगा कि सुहाना तुम्हारा अतीत और तुम्हारा आज सिमरन है। हाँ हाँ, मैं जानता हूं ये बात। क्यों लाया वो मुझे इन परिस्थितियों में? किसी का क्या बिगाड़ा? क्या करूं मैं, क्या करूं? तुम बताओ मुझे। पसाया तुमने मुझे इन परिस्थितियों में सिर्फ? क्यों? I'm sorry. कल रात मुझे तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाई रूहान। कोई तो प्रॉब्लम है। तुम यूं ही मुझसे दूर नहीं भागते। कुछ है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। सच क्यों नहीं बता देते रूहान? तुम मुझे यहाँ लेकर आए मेरी मदद करने के लिए, ताकि मेरी याददाश्त वापस आ जाए। लेकिन यहाँ आकर शायद तुम अपने फैसले पर पछता रहे हो। अगर तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा है रूहान, तो चलो यहाँ से वापस चलते हैं। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती रूहान। मेरी याददाश्त वापस ना आए तो ना सही, जी लूंगी मैं इस अंधेरे में। नैना, मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए, इसलिए मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करना चाहता हूँ। लेकिन पता नहीं मुझे कभी कभी क्या हो जाता है। आई थिंक मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए नैना।
मैं समझ सकती हूँ रूहान, एक अरसे तक हम दोनों एक दूसरे से दूर रहे, इसलिए शायद तुम आई कैन अंडरस्टैंड। आई एम सॉरी रूहान, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी, आई प्रॉमिस। तुम्हें जितना वक्त लेना है ले लो रूहान, लेकिन मैं जानती हूँ जल्द ही वो दिन आएगा जब तुम मुझे अपने करीब पाकर अपने होश और हवास खो बैठोगे। सिमरन जी, अभिषेक भैया कार रेडी है, तुम्हारी पैकिंग हो गई? हाँ बस हो गई। क्या हुआ सिमरन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं कुछ नहीं। नहीं इसे रहने, सूटकेस में ले लेता हूँ। ओके चलो। सिमरन क्या हुआ? सिमरन संभालो अपने आप को। सिमरन कौन है? इनके हस्बैंड है डॉक्टर। कहाँ है वो? वो शहर से बाहर है, आप कहें तो हम इन्हें वापस आने के लिए कह दें। लेकिन डॉक्टर साहब सिमरन को हुआ क्या है, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? जी नहीं नहीं ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि कल ये बारिश में भीग गई थी, शायद इसी की वजह से इनको हाई फीवर हो गया। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं कुछ दवाइयाँ लिख करके देता हूँ, ये दवाइयाँ आप लोग मंगवा लीजिएगा। ये लीजिए। मैं अभी मंगवा देता हूँ, अब मैं चलता हूँ, आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। अभिषेक मुझे लगता है सिमरन की बीमारी के बारे में हमें रूहान को बताना चाहिए, वरना उसे पता चल जाएगा तो वो नाराज होगा हमसे। माँ मैं रूहान भैया को फोन कर दूँ? नहीं बेटा मैं खुद फोन कर लूंगी। माँ मैं ऑफिस जाता हूँ, कोई भी काम हो तो आप मुझे कॉल कर दीजिए। हाँ बेटा तुम जाओ। मेरी बच्ची। कम इन। हेलो माँ, सिमरन की तबीयत कैसी है? उसका बुखार कुछ कम हुआ कि नहीं? बुखार थोड़ा कम है, अभी थोड़ी ठीक लग रही है वो। और रोहन उसका फोन आया? नहीं बेटा मैं कब से ट्राई कर रही हूँ लेकिन उसका मोबाइल लग ही नहीं रहा है। आप टेंशन मत लीजिए माँ, मैं जल्दी घर आ जाता हूँ। हाँ बेटा तू आ जा। एक ही बात तुम्हें कितनी बार समझानी पड़ी, क्या नॉक करके अंदर आना तुमने सीखा नहीं? सर मैंने नॉक किया था, जब आपने अंदर आने को कहा उसी के बाद मैं अंदर आई, वो तो मैं जरा आपको। इट्स ओके, अब जो भी कहना है जल्दी कहो, आई एम रियली बिजी, मुझे काम खत्म करके घर भी जल्दी जाना है। एक्चुअली मैं सिमरन दीदी से मिलना चाहती हूँ, मैंने आपको फोन पर बात करते हुए सुना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या मैं घर चल सकती हूँ उनसे मिलने? ठीक है मैं 15-20 मिनट में यहाँ से निकलूंगा, तुम मेरे साथ चल। थैंक्स, आपको ये नए डिजाइन की सीढ़ी लेनी थी। थैंक्स।
क्या हुआ बच्चा, लग गई तुम्हें? हाँ। अच्छा आजा, उठ जा, आजा। नहीं बाबा, रोते नहीं, बस बस बस। क्या हुआ? थैंक यू मैडम। रोहन, रोहन मुझे याद आ रहा है, हम बच्चों की बातें किया करते थे, मेरे और तुम्हारे बच्चे, हमारे बच्चे कब होंगे, कैसे होंगे, कितने होंगे, तुम्हें भी याद है ना रुहान? और मुझे याद है तुम कहा करते थे कि हमारे बच्चे हमारे प्यार के निशाने होंगे। मुझे मुझे बीती बातें याद आ रही हैं। हम दोनों के बीच बहुत प्यार था, बहुत गहरा प्यार। तुम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, ये सब सच है ना रुहान? बोलो ना रुहान, ये सब सच है? हाँ नहीं, हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। अरे शनाया, नमस्ते। अरे जीतू, कैसी हो? अच्छी हूँ। मॉम, ये सिमरन से मिलने आए। हाँ तो जाओ ना, सिमरन अपने कमरे में। जी आंटी। तस्वीर। मॉम, सिमरन की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, आप तो ठीक है, लेकिन उसका बुखार कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तूने रोहन से बात की? मॉम, मैंने उसे सुबह फोन मिलाया तो था, लेकिन उसका मोबाइल शायद नेटवर्क एरिया में नहीं है, फोन लगा नहीं। मैं उसके होटल में ट्राई करता हूँ। हाँ। या। हेलो, होटल कार्ल्टन, या कैन यू प्लीज कनेक्ट मी विद रूम नंबर 401, मिस्टर रोहन ओबेरॉय बाहर गए। नो दैट्स ओके, आप प्लीज उनके लिए एक मैसेज रख लीजिए, प्लीज टेल हिम दैट उनके लिए मुंबई से कॉल आया था और वो अर्जेंटली घर पर फोन करें। जी, मिस्टर रोहन ओबेरॉय। या थैंक यू। What a surprise! मुझे पता चला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आपको देखने चली आई। चलो, उसी बहाने तुम घर तो आई। अब कैसी हैं आप? ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थकान है। दीदी, एक बात कहूँ आपसे, आप सबके लिए इतनी परेशान होती है, बस अपने बारे में नहीं सोचती, ये अच्छी बात नहीं है ना? आपको खुद का ख्याल रखना चाहिए। अब देखिए, खुद के लिए ना सही, कम से कम रूहान जीजू के लिए तो फिट रहना चाहिए, वरना वो कितने परेशान होंगे, है ना? हाँ, मुझे जो भी करना है
अपने पति को पाने के लिए करना है। अरे तुम रूम में जाओ, मैं रिसेप्शन पे चेक करके आता हूँ कि घर से मेरे लिए कोई मैसेज है या नहीं। रुहान तुम थक गए हो, तुम जाके आराम करो, मैं चेक करके आती हूँ। एक्चुअली यू आर राइट। ओके एक्सक्यूज मी, रूम 401 के लिए कोई मैसेजेस? जस्ट अ मिनट, मिस्टर रोहन के लिए 5 मैसेज है। कॉल होम अर्जेंटली। ऐसा क्या तूफान आ गया वहां जो इतने सारे मैसेजेस छोड़े? रुहान, रुहान कहाँ हो? लगता है शार ले रहे हैं। मैं जानती हूँ कि रुहान के परिवार वाले इस बात से नाखुश थे कि रुहान मुझे लेकर गोवा आए हैं, लेकिन वो रुहान को रोक नहीं सके, इसीलिए अब उल्टी सीधी हरकतें करके हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं उनकी कोई चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। जब तक मैं नहीं चाहूंगी, तब तक मैं और रुहान यहां से वापस नहीं जाएंगे। लेकिन उन लोगों ने होटल में मैसेजेस क्यों छोड़े? डायरेक्टली रुहान के मोबाइल पर फोन क्यों नहीं किया? कॉल होम अर्जेंटली, ऐसी क्या अर्जेंसी हो सकती है? ये लोग हमें यहाँ भी चैन से नहीं जीने देंगे। इससे पहले कि रुहान ये मैसेजेस पढ़े, मैं इस मुसीबत को ही खत्म करती हूँ।